नमस्कार और आपका स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी में। तो रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट निकल कर आई है एक यूरोपीय देश स्लोवाकिया से। ये देश रिसेंटली कुछ दिनों में न्यूज़ में भी रहा है। सो अब ये न्यूज़ निकल कर आई है कि स्लोवाकिया में प्रो रशिया पार्टी के हाई चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के। ये पार्टी पावर में आ सकती है जो कि प्रो रशिया है और एंटी अमेरिका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो रॉबर्ट फिको विंस स्लोवाकियन इलेक्शन कैंपेनिंग ऑन प्रो रशियन सेंटीमेंट्स। सो बेसिकली रॉबर्ट फिको जो कि एक पॉलिटिशियन है वो प्रो रशियन सेंटीमेंट्स की वजह से स्लोवाकिया में इलेक्शन कैंपेन जीत गए। और शॉकिंग बात तो यह है कि ये एक लेफ्ट विंग स्मियर पार्टी है जिसने 23.3% वोट के साथ टॉप पर है और सेकंड पोजीशन पर प्रोग्रेसिव स्लोवाकियन पार्टी है 16.86 वोट के साथ। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लोवाकिया कहां पर है। यहां पर आप देख पाओगे स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी बॉर्डर हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और यूक्रेन के साथ लगती है। वहीं इस देश की कैपिटल ब्राटिस्लावा है और ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवाक है। वहीं एथनिक ग्रुप की बात करें तो 84% लोग यहाँ पर स्लोवाक्स हैं। वहीं 7.7% लोग हंगेरियंस हैं और 1.2% रोमेनियन हैं। वहीं रिलीजन मोस्टली यहाँ पर लोग क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करते हैं 68.8% के साथ और 23% लोगों का कहना है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, बेसिकली नास्तिक हैं। वहीं इस देश की पॉपुलेशन 5 मिलियन से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है और कम आबादी वाला देश है और नॉमिनल GDP इसकी एस्टिमेटेड है 27 बिलियन US डॉलर, जो कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। ये एक डेवलप्ड कंट्री है हाई इनकम इकोनॉमी के साथ। सो अब हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फिको जो कि एक स्लोवाकियन पॉलिटिशियन है और ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्लोवाकिया के 2006 से 2010 के बीच और 2012 से 2018 के बीच। अब ना ये तीसरी बार हो सकता है कि PM की कुर्सी पर बैठे और इनके बारे में स्पेशल बात यह है कि ये एंटी यूक्रेन और एंटी अमेरिका स्टांस रखते हैं। ऐसा इसलिए है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आप यहाँ पर ये जान लो कि हो सकता है कि रशिया के लिए स्लोवाकिया एक न्यूलेस्ट अलाय हो सकता है, एक नया दोस्त हो सकता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एट अ स्ट्रोक स्लोवाकिया कुड सून बिकम रशियाज न्यूएस्ट अलाय, क्योंकि जब भी रॉबर्ट फिको अपना भाषण देते हैं तो ये रशिया की बहुत तारीफें करते हैं और यूक्रेन और अमेरिका की बहुत बुराइयां करते हैं, जिसको लेकर ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि स्लोवाकिया रशिया के और क्लोज आ सकता है। ये एक आप कह लो कि बड़ी बात है अपने आप में कि यूरोप में बेलारूस के बाद अब स्लोवाकिया रशिया को सपोर्ट दे सकता है। नाउ मैं यहाँ पर आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि स्लोवाकिया जो देश है वो नेटो अलायंस का पार्ट है। जी हाँ, 1999 में नेटो को फर्दर एक्सपेंड किया गया था जिसमें यूरोप की कई और कंट्रीज को ऐड किया गया था जैसे चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गेरिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमेनिया और स्लोवाकिया। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि इसमें शॉकिंग बात क्या है, अगर स्लोवाकिया नेटो का पार्ट है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटो है क्या। बेसिकली ये एक 31 कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस का ग्रुप है जिसका मेन उद्देश्य है कि अगर एक नेटो कंट्री पर अटैक हो जाता है तो सारी 31 जो नेटो कंट्रीज पर है कंट्रीज़ उन पर अटैक माना जाएगा। इस अलायंस में यूरोप के 29 देश हैं और नॉर्थ अमेरिका के 2 देश इंक्लूडेड हैं, बट यूक्रेन इस अलायंस का पार्ट नहीं है। अगर यूक्रेन इस अलायंस का पार्ट बन जाता है तो रशिया यूक्रेन पर अटैक करने की 2 बार सोचेगा। ऑब्वियसली ये यूक्रेन को ही फायदा पहुंचा सकता है, बट यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, इसका मेंबर नहीं है अभी के लिए। आप यहाँ पर कहोगे यूक्रेन इसका मेंबर क्यों नहीं है। देखो, यूक्रेन की मेंबरशिप टर्की जो कि एक नेटो अलायंस नेटो का पार्ट है उसने होल्ड कर रखी है। नेटो का मेंबर तभी कोई बन सकता है जब कलेक्टिवली सारे नेटो मेंबर्स उसको अपना मेंबर बनाना चाहें। हालांकि अमेरिका ने टर्की से बैक चैनल से बात करी है यूक्रेन को ऐड करने की नेटो में, जिसको लेकर टर्की बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। बट ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि स्लोवाकिया जो कि एक नेटो मेंबर है, इस देश में प्रो रशिया गवर्नमेंट पावर में आ सकती है। रॉबर्ट फिको जो कि फॉर्मर PM रह चुके हैं स्लोवाकिया के, ये प्रो रशिया स्टांस रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली टर्की के बाद अब एक और नया प्रॉब्लमेटिक कंट्री नेटो को परेशान करेगा यूक्रेन की मेंबरशिप नेटो में होल्ड कर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो द यूरोपियन यूनियन एंड नेटो कुड सून हैव अ न्यू ट्रबल मेकर विद इन। इससे पहले स्लोवाकिया में जो गवर्नमेंट थी वो प्रो यूक्रेनियन स्टांस रखती थी। जब यूक्रेन पर अटैक हुआ था उस टाइम स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सपोर्ट दिखाया था, वेपन्स भेजे थे, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, इवन नेटो की मेंबरशिप को लेकर भी यूक्रेन को सपोर्ट दिखाया था। ये पहला नेटो देश था जिसने यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे रशिया से लड़ने के लिए। बट रॉबर्ट फिको के इलेक्ट होने के बाद ये देश 180 डिग्री टर्न लेगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर स्पेशली, और अपना सपोर्ट दिखाएगा व्लादिमीर पुतिन को। तो रिसेंट जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन जल्द ही नेटो जो मिलिट्री अलायंस है उसका पार्ट होगा, वो अभी के लिए आपको बता दूं पॉसिबल नहीं होगा अनलेस अमेरिका और यूरोप स्लोवाकिया पर प्रेशर नहीं बनाते। बट पॉइंट ये है कि अगर स्लोवाकिया पर ज़्यादा प्रेशर बनाया गया तो ये देश रशिया के और क्लोज आ जाएगा। ये एक मेजर ब्लंडर होगा वेस्ट की ओर से, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी तब रशिया पर भी बहुत प्रेशर बनाया गया था, जिस वजह से रशिया को इवेंचुअली चाइना के और क्लोज आना पड़ा। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगी कि स्लोवाकिया को ओवरऑल प्रो रशिया बना दे।
अमेरिका मोस्ट प्रॉबली स्ट्रेटेजिक वे में खेलेगा, जैसे इंडिया ने अपने रिलेशन अमेरिका और रशिया दोनों के साथ बैलेंस कर कर रखे हैं। सेम स्टांस रशिया स्लोवाकिया को देगा कि आप लोग रशिया के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के साथ भी साइमल्टेनियसली अपने रिलेशन मेंटेन कर कर रख सकते हैं। और इस बात की इंटेंसिटी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रॉबर्ट फिको हैं फॉर्मर स्लोवाकियन पीएम, इन्होंने कहा है कि अगर ये पावर में आते हैं तो जो सैंक्शंस स्लोवाकिया ने रशिया पर इम्पोज किए हैं वो सैंक्शंस हम रिमूव कर देंगे और जो वेपन्स यूक्रेन को हम अभी प्रोवाइड करते आ रहे हैं उसे हम बंद कर देंगे। सो ये एक गुड न्यूज़ है रशिया के लिए और बैड न्यूज़ है यूक्रेन के लिए, जिसको लेकर अमेरिका को इवेंचुअली कहना पड़ेगा स्लोवाकिया से कि अगर आप चाहते हो तो रशिया के साथ भी अपने ट्रेड कर सकते हो और हमारे साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन कर रख सकते हो। तो जी हाँ, ये एक मेजर हेडेक रहने वाला है या एक आप कह लो कि नया सरदर्द रहने वाला है अमेरिका और पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि जब तक यूक्रेन एक्चुअली नेटो का पार्ट नहीं बन जाता तब तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगी। अगर यूक्रेन एक बार नेटो का पार्ट बन जाता है तो जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा तब ऑटोमेटिकली नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा कि एक पर अटैक तो सब सारे नेटो मेंबर्स पर अटैक, तब जाकर ग्राउंड लेवल पर जेन्युइनली नेटो मेंबर्स जिसमें यूरोप के कई देश इंक्लूडेड हैं और अमेरिका एक्शन ले सकेंगे रशिया पर, इवन ये चाहे तो अपनी धरती से रशिया पर अटैक कर सकते हैं। अभी के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है, यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर देते हैं बट खुद ग्राउंड लेवल पर इंडल्ज नहीं रहते हैं रशिया से लड़ने के लिए। जो भी अटैक होता है वो यूक्रेनियन धरती से होता है, यूक्रेनियन लैंड से किया जाता है रशिया पर। नाउ यहां पर आप लोगों के मन में ये एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो स्लोवाकियन पॉलिटिशियन है रॉबर्ट फिको, ये पर्सन प्रो रशिया स्टांस रखते हैं, ठीक है, इनको स्लोवाकियन जनता ने इलेक्ट किया है अच्छे खासे वोट देकर, चलो ठीक है, बट क्या स्लोवाकियन लोगों को डर नहीं लगता प्रो रशियन पर्सन को इलेक्ट कर? क्योंकि अगर रशिया ने यूक्रेन को फुली कैप्चर कर लिया तब जाकर फिर स्लोवाकिया की बारी आएगी, स्लोवाकिया की टर्न आएगी। ये डर बना नहीं रहता कि कल को यूक्रेन कैप्चर करने के बाद रशिया स्लोवाकिया को भी अटैक कर सकता है तो हम प्रो रशिया गवर्नमेंट पावर में क्यों लाएं, क्योंकि स्लोवाकिया की बॉर्डर भी यूक्रेन के साथ लगती है। देखो, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में कई देशों में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, हर जगह यह देखा गया है कि खाने पीने की चीज़ों के प्राइस तेजी से बढ़े हैं और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रहे हैं कि कई देश रिसेशन में भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है इसका मेन इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ने वाला है। ऑब्वियस ही बात है, इसमें स्लोवाकिया अकेला ऐसा देश नहीं है, यहाँ पर भी इनके लोगों को इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, मेन जो प्रॉब्लम है वो यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करना है। जी हाँ, स्लोवाकिया एक ऐसे टाइम पर यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है जब इनके देश में आम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फूड आइटम्स के जो प्राइस हैं उनमें इंक्रीज देखा गया, गैस हो गई, ऑयल हो गई या पेट्रोल डीजल हो गए, इन सभी कमोडिटीज़ के प्राइस पिछले 3 सालों में तेजी से बढ़े हैं। बट स्लोवाकिया गवर्नमेंट का मेन जो फोकस है जो देखा गया है वो गवर्नमेंट बढ़ चढ़ कर यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है, वेपन्स प्रोवाइड कर रही है टाइम टू टाइम रशिया से लड़ने के लिए, अपनी जनता की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हुए, और ये जो इवेंट्स है वो स्लोवाकिया जनता अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है और जनता का जो गुस्सा है वो इवेंचुअली या तो प्रोटेस्ट के दौरान या इलेक्शन के टाइम निकल ही जाता है। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे पोलैंड ने यूक्रेनियन वीट इंपोर्ट्स पर बैन लगा रखा है क्योंकि पोलैंड के जो फार्मर्स हैं उन्हें इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। बट पोलैंड अकेला ऐसा देश नहीं है, बुल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया, इन सभी देशों ने यूक्रेनियन वीट इंपोर्ट्स पर बैन लगा रखा था इकोनॉमिक रीजन के चलते। नाउ ये बात ज़ेलेंस्की को अच्छी नहीं लगी और ज़ेलेंस्की ने यूएन में इनडायरेक्टली पोलैंड को टारगेट करते हुए कहा कि अगर आपको थोड़ा सा लॉस होगा वीट परचेस करने से तो क्या हुआ, कम से कम आप हमें तो सपोर्ट कर रहे हो। नाउ ये बात पोलैंड के पीएम को अच्छी नहीं लगी और पोलैंड ने यूक्रेन को वेपन सेंड करना बंद कर दिया। बट ज़ेलेंस्की की ये बात स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गेरिया इन देशों ने नोटिस करी है, यहाँ की जनता ने नोटिस करी है कि कैसे ज़ेलेंस्की ने अपने देश के फायदे के लिए इन देश की जनता पर अपनी प्रॉब्लम डाल दी और इनकी गवर्नमेंट भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। सो ओवरऑल लोगों का गुस्सा ज़ेलेंस्की और सरकार पर वोट के दौरान निकला है। अभी तो स्लोवाकिया में इलेक्शन हुए हैं जहाँ पर प्रो रशिया गवर्नमेंट पावर में आई है, बट अगले 1 या 2 सालों में यूएस और कनाडा में भी इलेक्शन होने हैं जहाँ पर लोग एक न्यूट्रल गवर्नमेंट या राइट विंग पार्टी की को इलेक्शन में जिता सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा यूरोपियाई देश की गवर्नमेंट और अमेरिका लगा रहा है यूक्रेन पर, अगर ये पैसा खुद की जनता पर लगाते तो कुछ रिलीफ मिल जाता इनकी जनता को। तो खैर, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे कॉन्टेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।